अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनम्स किचन। आज मैं बना रही हूँ मुगलाई पालक पनीर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आपके पास मेरी मज़ेदार रेसिपीज आती रहें। मुगलाई पालक पनीर बनाने के लिए जो चीज़ें मैं चाहिए मैं साथ साथ आपको उसका बताती रहूँगी। इसके लिए अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने पालक ली थी 2 किलो, उसको मैंने बॉयल करके ग्राइंड कर लिया है और आधा बंच मैंने इसमें मेथी का लिया था। पालक को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल किया था। जब पालक एंडिंग पॉइंट पे थी उस टाइम मैंने लाइक 2 to 3 मिनट्स बिफोर मैंने उसमें मेथी ऐड की थी। मेथी भी साथ ही बॉयल हो गई थी। उसके बाद मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। सेकेंड इसका मेन इंग्रेडिएंट है पनीर। मैंने यहाँ पे कॉटेज चीज़ ली है, एडम्स वालों की, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। उसको इस तरह छोटे क्यूब्स में मैं कट कर लूँगी और उसके बाद मैं उसको फ्राई करूँगी। पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया था, उसमें मैं अपने ये कॉटेज चीज़ को फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं करना वरना ये हार्ड हो जाते हैं। बस इसको इतनी देर के लिए फ्राई करना है कि ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए। कॉटेज चीज़ मेरी फ्राई हो चुकी है, अब मैं उसी ऑयल में अपना अनियन फ्राई करूँगी। अनियन मैंने इसमें लिया है 1 लार्ज साइज़ का, उसको मैंने ऑमलेट कट में कट कर लिया था। अब मैं उसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा 1 टीस्पून ईच। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी ताकि थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा सा गोल्डन कलर में आ जाए। उसके बाद मैं इसमें अपने टमाटर डालूँगी। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने क्यूब कट कर लिया था। उसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी। हरी मिर्चों को मैंने छोटा कट कर लिया था। 1 टेबल स्पून इसमें क्रश्ड हरी मिर्चें ऐड होंगी। अब मैं साथ ही इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में इसमें सबसे पहले जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून जाता है, स्पाइस आपके अकॉर्डिंग है। मैंने 1/2 टीस्पून ऐड की थी और 1/2 टीस्पून ही इसमें मैंने काली मिर्च का ऐड किया था। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया जाएगा, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि मेरे मसाले अच्छे से इसमें ऐड हो जाएं। अब मैं इसमें 1/2 कप दही का ऐड करूँगी। दही को मैंने थोड़ा सा फेंट लिया था पहले। दही ऐड करने के बाद मैं इसको उबाल आने तक पकाऊँगी। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये थोड़ा सा पक जाएगा। फिर मैं इसको ढक के स्टीम में पकाऊंगी ताकि मेरे टमाटर भी गल जाएं और मेरी दही भी अच्छे से उसमें पक जाए। 5 से 6 मिनट तक मैंने इनको पकाया, आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसको इस सारे मिक्सचर को ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें, आप चाहें तो इसको स्पून से ही मैश कर लें, या आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख लें। दही और टमाटर वाले मिक्सचर को मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी। उसके बाद मैं इसमें बॉयल्ड पालक ऐड करूँगी। ये ऑलमोस्ट 3 कप से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बॉयल होने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था जैसे मैंने आपको पहले बताया। पालक को इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए भूनूंगी। आपको पता होगा कि पालक भुनाई में काफ़ी टाइम लेती है, तो इसको कम से कम 20 से 25 मिनट लगे थे भुनाई में। अब देख सकते हैं पालक की भुनाई के बाद इसका कलर किस तरह का हो गया। अब मैं इसमें इस स्टेज पे बटर ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने बटर का लिया है। आप चाहें तो ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने टेस्ट के लिए लिया है, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है।
बटर डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूना है। अब मैं इसमें अपनी कोटेज चीज़ ऐड करूँगी जो मैंने पहले फ्राई कर ली थी। थोड़े से पीसेस मैंने बचा लिए हैं, वो मैं इन गार्निशिंग में डालूँगी। आप चाहें तो सारे ही ऐड कर दें या थोड़े से बचा लें गार्निशिंग के लिए। अब मैं इसका लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी जो है क्रीम। क्रीम आप सबसे लास्ट में डालिएगा और चूल्हा बंद कर दीजिएगा। हाफ कप इसमें क्रीम जाएगी, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद आप इसको प्लेट में डालें और सर्व करें। अगर आप मुझसे कुछ और सीखना चाहते हैं या इस रेसिपी से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।